हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं टेक फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे लावा मोबाइल के बारे में। तो इसका मॉडल नंबर आपको मैं बता देता हूं। इसका मॉडल नंबर जो है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए कितना हैंग हो रहा है। तो आज का जो सोल्यूशन है इस मोबाइल को हैंग से किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो अबाउट फोन में जाते हैं। इसका मॉडल नंबर देखिए, ये 97 IPS है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 97 IPS लावा, ये 97 IPS इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए कितना हैंग हो रहा है। ठीक है, मोबाइल जो है ज़्यादा हैंग होता है। और इसका जो लॉन्चर है वो जैसे ही हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो ये हैंग हो जाता है। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं, और मान लो कि इस मोबाइल में लॉक डाल दिया आप, ठीक है, पैटर्न लॉक लगा दिया है और उसको भूल गए, या फिर पासवर्ड लगा दिया उसको भूल गए, तो बहुत ही आसान तरीके से हम किस तरह से निकालते हैं इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें मोबाइल को जो है ऑफ कर देना है। तो बहुत स्लो चल रहा है दोस्तों मोबाइल, तो एकदम बहुत ही स्लो चल रहा है। तो आज हम इसको किस तरह से ठीक करते हैं, इसके पैटर्न लग या पासवर्ड लगाए तो उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल को ऑफ कर दिया मैंने। ऑफ करने के बाद हमें क्या करना है, मोबाइल को हार्ड रीसेट करना है। हार्ड रीसेट कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं मोबाइल के राइट हैंड साइड में जो है आपको यहाँ वॉल्यूम रॉकर्स बटन दिखते हैं, और नीचे की तरफ पावर बटन है। वॉल्यूम के नीचे बटन पावर बटन है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम का जो अप वाला बटन है, यानी कि वॉल्यूम जब हम बढ़ाते जिस बटन से, उस बटन को और पावर बटन को, दोनों बटन को एक साथ हमें दबा के रखना है। तो देखिए वॉल्यूम का ऊपर वाला बटन और पावर बटन जो ऑन ऑफ करते हैं मोबाइल को, उस वाले बटन को दबा के रखना है तब तक क्या फ़ोन जो है ऑन ना हो जाए। ठीक है, दोनों बटन्स को इस तरह से दबा के पकड़ के रखना है दोस्तों। इसका जो पावर कमांड है जल्दी से नहीं लेता है तो कुछ टाइम लगेगा। तो देखिए जैसे ही लावा का ऑप्शन देखा आपने, वॉल्यूम बटन पकड़े रखना है और पावर बटन को छोड़ देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको मेन्यू नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वाइप डाटा स्लैश फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को चूज़ करना है। कैसे करेंगे, यह वॉल्यूम वाले जो बटन से अप एंड डाउन है, ठीक है, अगर ऊपर वाला बटन आप दबाएंगे तो ऊपर की तरफ ये जो ब्लू वाली लाइन है ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे का बटन दबाओगे तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें वाइप डाटा स्लैश फैक्ट्री रीसेट पे ये ब्लू वाली लाइन को लेके आना है। तो हमने लेके आएगा वाइप डाटा स्लैश फैक्ट्री रीसेट पे। अभी हमें इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए पावर बटन हम यूज़ करेंगे। पावर बटन जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये अगले वाले ऑप्शन पे आता है। यहाँ पूछ रहा है कि एक बार इसको डिलीट कर दिया तो आपके जो सारे कॉन्टैक्ट्स हो या फिर मोबाइल फ़ोन मेमोरी में जो है आपका जितना भी कॉन्टैक्ट्स हो या फिर फोटोज़ वीडियो जो भी होते हैं सब कुछ जो है डिलीट हो जाता है दोस्तों। तो ये वार्न कर रहा है कि वो सारा डाटा जो है डिलीट होएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो हम इसको यस कर देते हैं। वॉल्यूम डाउन वाले बटन पर क्लिक करना है, यस पे ब्लू लाइन आ जाएगी तो हम पावर बटन को दबा के ओके कर देंगे यस वाले ऑप्शन पे। तो देखिए ये वाइप कर रहा है, यानी कि डेटा को डिलीट कर रहा है। तो जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स है जो जिसके वजह से फ़ोन हैंग हो रहा था, इसको हार्ड रीसेट करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। मान लो कि आपने लॉक लगा के रखा है, पासवर्ड रख दिया, या फिर कोई लगा देता है पासवर्ड आपको पता नहीं होता है रिमूव कर, तो इस हार्ड रीसेट करके हम उस पासवर्ड को जो है हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, फ़ोन लॉक को रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो हो गया, होने के बाद सारा मोबाइल जो है फैक्ट्री रीसेट होने के बाद इस तरीके का मेन्यू फिर से हमें नज़र आएगा। तो रिबूट सिस्टम 9 के ऊपर ब्लू लाइन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऑफ करके ऑन करेंगे। तो इसके लिए हम पावर बटन क्लिक करेंगे तो हमें अभी मोबाइल को ऑफ कर देना, ऑफ करके ऑन करना है, रिबूट करना है। इसके लिए हम पावर बटन को प्रेस करेंगे रिबूट सिस्टम 9 ऑप्शन पे चूज़ करने के लिए। तो पावर बटन मैंने प्रेस किया तो मोबाइल जो है अभी ऑफ होके अपने आप ऑन हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और इसी तरह के वीडियोस आने वाले फ्यूचर में जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। तो ये कुछ टाइम लेगा इसको स्टार्ट होने की, क्योंकि अभी आठ रिसेट करिए तो इसमें ऐप्स वगैरह जो है बिल्ड होंगे अभी, तो इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तब तक के देखते हैं कितना टाइम ये लेता है। तो दोस्तों हो गया, मोबाइल जो है पूरी तरह से ऑन हो गया रिसेट होने के बाद। ये वायर जो है चार्जिंग की है दोस्तों, मैंने चार्जिंग लगा रखा है, आपने समझ लेंगे, फिर पीसी में लगा दिया। देखिए चार्जिंग वायर है, ठीक। तो ये रहा इसका चार्जिंग वायर, चार्जिंग पे लगाया मैंने, इसमें चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग ख़त्म हो गया, तो इसी के कारण मैंने जो है मोबाइल को चार्जिंग लगा। चलिए देखिए यहाँ ये वेलकम स्क्रीन आ गया है रीसेट होने के बाद। तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ स्किप का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ एक टॉपिक है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ स्किप का ऑप्शन इसलिए आ रहा है ताकि इसमें एफआरपी लॉक नहीं है। एफआरपी लॉक क्या आता है, गूगल अकाउंट। जैसे मान लो कि आपने मोबाइल लिया, मोबाइल में प्ले स्टोर चलाना है तो आपको जीमेल आईडी उसमें डालनी पड़ेगी प्ले स्टोर में। तो जैसे जीमेल आईडी डालेंगे तो प्ले स्टोर ओपन होगा, तो आप यूज़ कर सकेंगे मोबाइल को किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। मान लो रीसेट करने से पहले अगर आपने आपके मोबाइल में जीमेल आईडी को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो आपको यहाँ स्किप का ऑप्शन आएगा। अगर आपने नहीं हटाया है तो यहाँ स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको यहाँ मेल आईडी आपसे पूछी जाएगी जो कि अपने प्ले स्टोर में डाल रखी थी। वो मेल आईडी डालने से ही आपको ये जो एफआरपी लॉक हम जो कहते हैं गूगल अकाउंट आईडी यहाँ पूछा जाएगा वो हटा सकते हैं। नहीं तो आपको मेल आईडी पासवर्ड नेम पता नहीं है तो एफआरपी लॉक को हटाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ स्किप कर देते हैं। यहाँ भी देखिए स्किप ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इसमें मेल आईडी नहीं है, डिलीट कर दिया हमने। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। और देखिए प्रोटेक्ट दी, यहाँ लॉक आप रख सकते चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप एनीवे कर देता हूँ। ये तो ये स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो पहले क्या होता था, मोबाइल एकदम ज़्यादा हैंग होता था दोस्तों। तो यहाँ हेलो पूछ रहा है, नहीं चाहिए हमें, ये हाइव लॉन्चर के वजह से ही जो है मोबाइल हैंग हो रहा था, तो इसको मैंने डेनी कर दिया। अभी रीसेट करने के बाद नेवरास कर देता हूँ डेनी। ओके, अभी स्मूथली चलेगा मोबाइल। अरे तो देखिए दोस्तों इसका लॉक अगर रखे तो वो भी हट जाएगा और मोबाइल जो है स्मूथ से चलने लगेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना, और हमारे इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।